नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं बिल्कुल एक अलग से ही सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आप वीडियो पूरा सुनेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक बात और बताता हूँ मैं कि मैं स्वास्थ्य संबंधी जो आपको चीज़ सुनाऊंगा उसके पहले एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया। देखो, कुछ न कुछ थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। लतीफा सुने आप। एक कुमार के जो गधा था तो कुमार उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लाद करके ले जाता था। बहुत समय तक ऐसा होता रहा, साल 6 महीने तक। तो एक दिन उस गधे को उसका एक मित्र मिला तो गधे ने अपना दर्द उसको सुनाया कि मेरा जो मालिक है मुझे बहुत बोझ लाद करके पीछे से मारता भी है, 1 साल से मेरी हालत ख़राब कर रखी है। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू बेवकूफ़ है, तू अपने मालिक को छोड़ दे, क्यों नहीं जाता छोड़ करके। तो उस गधे ने कहा, भाई कैसे जाऊं, मालिक की लड़की है, वो जवान हो रही है, कहीं मेरी शादी का नंबर आ जाए। दोस्तों, ये लतीफ़ा। अब मैं आपको विशेष जानकारी के अंदर हकीम लुकमान यूनानी चिकित्सा के संस्थापक थे। तो उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर धन्वंतरी वैद्य का बहुत नाम था। तो खबर तो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। हकीम लुकमान के पास खबर पहुँची कि भारत के अंदर धन्वंतरी बहुत शक्तिशाली वैद्य है। तो उन्होंने अपने एक दो नुमाइंदे को बुला के कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने एक आदमी जो सबसे तंदुरुस्त था उसको एक चिट्ठी हाथ में दी। चिट्ठी दे करके कहा कि तुम अच्छा घोड़ा ले लो और यहाँ से रवाना हो, और ये मेरा जो पैगाम है ये भारत के धन्वंतरी वैद्य को दे करके आ जाओ। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जहाँ भी रात का समय हो तो विश्राम इमली के पेड़ के नीचे ही करना, ये मेरी सख्त हिदायत है। तो वो शख्स रवाना हो गया और रात को इमली के पेड़ के नीचे सो जाता, फिर आगे बढ़ जाता। देखो, उस वक़्त घोड़ा ही साधन था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी। तो उसको करीब 15-20-25 दिन लगे, वो इमली के पेड़ के नीचे ही सोता रहा। तो वो भारत पहुँचते पहुँचते एकदम मरियल हो गया, शरीर में उसके जान नहीं, सारा वजन उसका सूख गया, चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई, चक्कर आने लगे। ऐसी स्थिति में वो करीब करीब मरना संसार हो गया। तो धन्वंतरी के यहाँ पहुँचा तो धन्वंतरी वैद्य ने उसको बिठाया, कहाँ से आए हो आप? हकीम साहब के यहाँ से आया, आपके लिए उन्होंने मैसेज भेजा है, संदेश भेजा। उसने जेब से निकाल के जो पत्र हकीम लुकमान ने दिया वो उनको सौंप दिया। धन्वंतरी जी ने पत्र को खोल के पढ़ने की कोशिश की, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो वो बड़े विचार में पड़े कि ये क्या बात हुई। फिर कहा कि देखो, तुम खाना खा लो और कल यहाँ से प्रस्थान करो, और मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ, ये उनको जाकर के हकीम साहब को दे देना मेरी तरफ से ये मैसेज। और एक सादा कागज़ वैसे ही जैसा हकीम लुकमान ने दिया था, तो धन्वंतरी ने भी एक सादा कागज़ उसको दे के कहा, कल प्रस्थान करो
और एक चीज़ का ख्याल रखो, जहाँ भी रात का समय हो तो नीम के पेड़ के नीचे सोना अति जरूरी है, नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो उसने कहा कि एक तो हकीम साहब ने कहा इमली के पेड़ के नीचे सो, जो मेरी हालत ये हो गई कि मेरे शरीर में कोई जान नहीं और अब मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे में ताकत ही नहीं, और आप कह रहे हो कि नीम के नीचे सो तो मेरा क्या होगा, कि तुम जाओ तुम ठीक हो जाओगे। मैंने देखा सारे बड़े जोरदार वेद्य मिले, कोई कहता इमली के नीचे सो, कोई कहता नीम के नीचे, चलो कोई बात नहीं। तो जो रात आई तो वो नीम के नीचे सो गया, उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई, अगली रात फिर सोया, फिर कुछ ठीक हुई, तो उसको 20-30 दिन हकीम लुकमान के यहाँ वापस पहुँचने में लगे, जब तक तो वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके गाल लाल सुर्ख हो गए, बिल्कुल लाल सुर्ख हो गए, टमाटर हो गया, और उसकी भुजाओं के मसल्स है जो चमकने लग गए। ऐसी स्थिति में जाके हकीम साहब को जाके कहा कि मैं भारत जाके आया हूँ, आपने तो मुझको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी। अरे वो तो धनवंतरी वैद्य हैं, उन्होंने मेरे को नीम के नीचे सोने का टोटका बताया, देखो मेरा शरीर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, इतना शक्तिशाली हो गया। वो हैं, आपका तो नाम यूं चल रहा है धूपल के अंदर ही। और निकाल करके उसने जेब से वो चिट्ठी धनवंतरी की लुकमान साहब को दी, लुकमान साहब ने चिट्ठी को पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, तो उन्होंने कान पकड़ के मन के अंदर ही कहा, वैद्य धन्वंतरी महान, आयुर्वेद महान। तो दोस्तों ये है एक आयुर्वेद की कि इमली के नीचे सोने से ये हुआ और नीम के नीचे सोने से ये हुआ। अब मैं लगे हाथ ही आपको एक और बात बताता हूँ, वो भी बड़ी प्यारी बात है कि जब हकीम लुकमान का ही जिक्र चल गया तो हकीम लुकमान की जब मृत्यु सैन निकट आई तो देखो वो बहुत बड़े हकीम थे, उनको मालूम पड़ गया कि अब मृत्यु निकट है और यम के दूत लेने को आएंगे, तो उन्होंने आभास लगा लिया कि आएंगे और अपने को अपनी चिकित्सा के बल पर, अपनी यूनानी चिकित्सा के बल पर उनको गच्चा देना है, गच्चा, नहीं तो अपने क्या पढ़ाई करी, क्या हकीम हुए। तो अल्लाह के यहाँ से लेने के लिए जब कोई आए एक दो नुमाइंदे तो हकीम साहब समझ गए कि आ गए बंदे लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जब आए तो वहाँ एक नहीं सात हकीम लुकमान बैठे हुए, एक नहीं सात। अब वो सबकी तरफ देखे, सबकी एक शक्लें एक ही। तो उन्होंने मन में सोचा कि मालिक ने तो कहा था एक हकमान लुकमान साहब को ले आओ, उनका वक्त हो गया, यहाँ तो सात आठ बैठे हैं, किसको ले जाएं। तो वो वापस लौट गए, वापस लौट गए तो जाके उन्होंने कहा कि खाली कैसे आए, क्या करें, आपने कहा हकीम लुकमान को लेके आओ, उनका समय आ गया, हम गए वहाँ एक नहीं सात बैठे, तो हम किसको लेके आए। करे यार तुमको खाली नहीं आना चाहिए, लेके आना चाहिए, ऐसा करो तुम जाओ दोबारा जाओ, क्या दोबारा जाएंगे तो भी वहाँ ऐसे ही मिलेंगे, कि एक काम करना जाते ही तुम उनको कहना वालेकम सलाम। तो जो जवाब दे दे सलाम वालेकम,
उसी को ले आना कि ये कैसे, कि जो असली होगा वही जवाब देगा, नकली जवाब नहीं देंगे। तो वो फिर गए तो हकीम साहब समझ गए कि बचना तो मुश्किल है, फिर भी 7 की जगह 17 कर दिए अपने जैसे, बिठा दिए कुर्सी पे। वो आए, वो चक्कर खा गए कि अब 7 थे, अब के तो 17 हैं। तो जाते ही कहा वालेकुम सलाम, तो देखो असली तो असली को बोलना पड़ता कि सलाम वालेकुम, कि चलो। और उनका देहांत हो गया, वो लेके चले गए। ये हकीम लुकमान की बात बताता हूँ। और वैद्य जो धन्वंतरी थे, जब उनकी मृत्यु से निकट आई तो उनकी जो लड़की थी डॉटर, उसका नाम था, मैं कदाचित नाम भूल रहा हूँ, हाँ अजू नाम था उसका, नाम लड़की का, उनकी बेटी का नाम था अजू। तो जब धन्वंतरी का समय निकट आया तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया, कहा कि मैं अब मालिक के यहाँ जाऊँगा, और अपनी बेटी को भी बुलाया कि देखो मेरे मरने के बाद मेरी चिकित्सा का नाम आयुर्वेद, यानी कि अपनी लड़की के नाम अज्जू से आयुर्वेद बना, इसके नाम से होगा। और मेरी मृत्यु के बाद मेरा दाह संस्कार न करना। तो दो चार शिष्यों ने कहा क्या करें, देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई किताब में पढ़ी हुई या कोई ग्रंथ के अंदर मैंने नहीं देखी, मैंने जो कहानी किस्सों में जो सुनी वही सुनाई है और वही सुनाऊँगा, क्योंकि कुछ दिमाग में मेरे भी नहीं बैठता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मैंने सुना वही मैं आपको सुना रहा हूँ। कोई वैद्य, कोई जो आयुर्वेदाचार्य, मैं भी हूँ आयुर्वेदाचार्य, वो इसका बुरा नहीं मानेंगे, मुझको क्षमा करेंगे। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के टुकड़े करके जितने शिष्य हैं चेले हैं वो सब एक एक खा ले पीस, तो उनको आयुर्वेद सबको कंठस्थ हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सत्यता है मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। तो आयुर्वेद उनकी बेटी के नाम से पड़ा और इस तरह के धन्वंतरी वैद्य थे। दोस्तों ये अभी आज नया ही कुछ कहने की थी इच्छा, तो मैंने कह दिया, कोई बुरा नहीं माने। और इसके अंदर वास्तव में ये एक कहानी है, ये है या कुछ इसमें हकीकत है, अगर जिनको इसकी जानकारी है वो अगर मुझको देंगे तो मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। और कोई मुझको ये नहीं कहें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँचने से पहले ही मैं आप लोगों से जो कहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर कोई मन में बुरा नहीं माने। और आपको ये दिलचस्प वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।